हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वॉइस के बारे में, जिसके दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एसेंशियल डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है एक्टिव और पैसिव में कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को ड्यू एम्फेसिस दिया जाता है, यानी आई गॉट अ बुक में आई सब्जेक्ट है और अगर इसे रिमूव कर दूं तो शायद स्टेटमेंट कंप्लीट ना लगे, तो यहाँ सब्जेक्ट का प्रेजेंस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जबकि पैसिव वॉइस में वर्क डन इज मोर एम्फेसाइज्ड, क्या काम किया गया है ये करने वाले कर्ता यानी डूअर ऑफ एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और डूअर ऑफ एक्शन को ही सब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिनर वॉज सर्व्ड, खाना परोस दिया गया था। डजंट मैटर किसने परोसा, हु हैड डन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल इन पैसिव वॉइस। चलिए बात करते हैं आज वॉइस के बारे में। मेरा नाम है शिशिर और आप देख रहे हैं इंग्लिश पेज। दोस्तों, एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने के दौरान तीन एसेंशियल गोल्डन रूल्स होते हैं। उन गोल्डन रूल्स के बारे में बात करूं, पर इसके पहले आपको ये बताऊंगा कि किसी भी एक्टिव वॉइस में यदि ट्रांजिटिव वर्ब है तभी उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल है। अगर आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं जानते तो आपको मेरी वर्ब पे बेस्ड वीडियो को जरूर देखना चाहिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हाँ, फिलहाल इन तीन गोल्डन रूल्स के बारे में बात करते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के दौरान पहला गोल्डन रूल होता है कि आप कभी भी सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस का है उसके ऑब्जेक्ट को ढूंढिए और उसे सब्जेक्ट के रूप में, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म करिए, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस ट्रांसफॉर्म इनटू सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। दूसरा रूल होता है, आप हेल्पिंग वर्ब के लिए स्पेस छोड़ दीजिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा एक्टिव वॉइस किस टेंस पर्टिकुलर में फ्रेम्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा। तीसरा गोल्डन रूल है, ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के दौरान हमेशा इस हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म लगाइए। चौथा रूल कहता है कि वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद इन 98% केसेस बाई प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस यूज करिए। अब ये ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस क्या है दोस्तों, एक्चुअली जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर मैं सिंपल तरीके से इन चारों रूल्स को एक जगह फ्रेम करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं, पैसिव वॉइस में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए पैसिव वॉइस का, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के लिए स्पेस छोड़िए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है हम टेंस के अकॉर्डिंग भी डिसाइड करने वाले हैं थोड़ी देर में। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करिए। बाय का यूज 98% केसेस में होता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो, और इसके बाद पैसिव वर्ब का ऑब्जेक्ट और जो कॉम्प्लीमेंट्री रिमेनिंग वर्ड्स हैं वो वर्ड्स आते हैं। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ पैसिव वॉइस। टेंस वाइज कैसे क्या डिफरेंसेस आते हैं, हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होता है, और कौन से 2% केसेस ऐसे हैं जहां पर हम प्रीपोजिशन बाई का यूज वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद नहीं करेंगे, इस बारे में हम इलेबोरेट डिस्कशन करने वाले हैं अपने वीडियोस में। तो चलिए शुरू करते हैं ये जानना कि टेंस के अकॉर्डिंगली कैसे हेल्पिंग वर्ब को ट्रांसफॉर्म करें। तो हम बात कर रहे थे कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन आएगा, और हेल्पिंग वर्ब में जो परिवर्तन होगा वो डिपेंड करता है एक्टिव वर्ब आपका किस टेंस में है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के इनडेफिनिट टेंस को देखिए। जनरली स्ट्रक्चर क्या होता है ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंगली कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ईएस लग जाता है, अदरवाइज सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, सृष्टि रीड्स बुक्स। अब इसे हमें पैसिव अगर बनाना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट एज अ पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के तौर पे दिखाना होगा। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है बुक्स, तो हमने यहाँ बुक्स लिख दिया हम लोगों ने इस यूनिवर्सल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे यूनिवर्सल फॉर्मूला मेंशन है हमारा पैसिव वॉइस का, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यानी कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, वहां पर बुक्स ऑब्जेक्ट था हमने बुक्स लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब के लिए चलिए जगह छोड़ देते हैं, फिर क्या यूज होना चाहिए वर्ब थर्ड फॉर्म, वहां पर है वर्ब रीड्स, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, स्पेलिंग तो सेम होती है रूस पर प्रोनाउंसिएशन रेड पढ़ा जाता है,
Srisht Books Red. फिर क्या यूज करना हमें यूनिवर्सल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बाय, तो रेड बाय. फिर हमें पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लाना है और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बनाते हैं पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट. तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ क्या था, सृष्टि रीड्स द बुक में सृष्टि सब्जेक्ट थी, तो इस सृष्टि को हम यूज करेंगे बाय के बाद, बाय सृष्टि. कोई और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स नहीं इसलिए फुल स्टॉप करते हैं. अब सवाल आता है एक्टिव वॉइस यदि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो इस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या रखा जाए. आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, इन तीनों में से कोई एक चूज करना होता है एज पर द नंबर ऑफ योर सब्जेक्ट. और ये तीन ऑप्शंस हैं इज, एम और आर. इन तीनों में से आप क्या सिलेक्ट करेंगे बुक्स के लिए, आर. तो बुक्स आर रेड बाय सृष्टि. इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. अब अगर देखिए यदि हम बात करते हैं कि ये बुक्स ना होता और सिर्फ ऐसा होता कि सृष्टि रीड्स ए बुक, सृष्टि रीड्स ए बुक एवरी मंथ. सृष्टि हर महीने एक किताब पढ़ लेती है, सृष्टि रीड्स ए बुक एवरी मंथ. तो क्या करते यहां बुक्स की जगह हमारा सब्जेक्ट क्या होता, बुक होता. और बुक भी नहीं होता, क्या होता एक्चुअली, ए बुक, ए बुक. अब जैसे ही ये ए बुक बनता तो हमारा वर्ब क्या होता है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज होता, ए बुक इज रेड बाय सृष्टि एवरी मंथ. एवरी मंथ ए बुक इज रेड बाय सृष्टि. दोनों ही तरीके आपके सही हो जाएंगे. बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है. देखो यूनिवर्सल फॉर्मूला तो यही है, जो चेंज आनी है वो चेंज आनी है हमारे हेल्पिंग वर्ब में. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वर्ब में फॉर्मूला आपको पता है कि सब्जेक्ट के साथ इज, एम या आर के साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं. फॉर एग्जांपल सृष्टि इज रीडिंग ए बुक, सृष्टि इज रीडिंग ए बुक. अब ये ए बुक जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वर्ब का, इसको हमें क्या करना है पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के तौर पे लगाना है. तो हमने यहाँ लिख दिया ए बुक. हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ देते हैं. फिर यूज क्या करना है हमें वर्ब थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म क्या है रेड. फिर क्या यूज करना है बाय. फिर क्या यूज करना है सृष्टि, जो एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट था वही पैसिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है. और यहाँ पे सृष्टि इज रीडिंग ए बुक, तो इसीलिए हम लोगों ने ए बुक रेड बाय सृष्टि कर दिया. अब बात होती है कॉन्टिन्यूअस टेंस, हमारा एक्टिव वॉइस यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो तो हम पैसिव वॉइस में इस हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लगाएं. यहां पर हमें कुछ नहीं करना है दोस्त, इसी इज एम आर के साथ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बीइंग का जोड़ देना है. इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग में से कोई एक यूज करना है. तो ए बुक, तो चूंकि ए बुक है तो इसलिए इज लगाएंगे और इसके साथ क्या लगाएंगे बीइंग. A book is being read by Srishti. और ये आपका present continuous tense का passive voice आसानी से तैयार हो गया. इसमें कोई आपके लिए problem I don't think आप face करोगे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो. अगर हम बात करें present perfect tense की तो बहुत simple होता है present perfect tense. इसमें क्या होता है active voice में subject के साथ has, have और verb third form use करते हैं और object और complement. For example, Srishti has written an essay. Srishti has written an essay. Passive voice बनाने के दौरान क्या करेंगे? यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा an essay, जो कि object था वो हमारा subject बन जाएगा an essay. यहाँ पर इस being को आप remove कर दीजिए क्योंकि ये helping verb present perfect के according क्या होगा हमें नहीं पता है. Verb वहाँ पे था written, write. और हमें यह passive voice में हमेशा verb third form use करना है तो already present perfect V3 होता ही है. तो यहाँ पे हमने लिख दिया written. फिर use किया हमने by और हमारा object यानी कि active voice का subject, subject हमारा सृष्टि था तो यहाँ पे हमने object के तौर पे सृष्टि लिख दिया. सवाल आता है इस helping verb के column में present perfect tense में यदि हमारा active voice हो तो helping verb क्या use करे passive voice में. तो इसका आंसर बहुत सिंपल है. देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव आपको वही यूज करना है. फर्क कितना सा है कि हैज या हैव के बाद आपने बीइंग को यूज करना है बी डबल ई एन.
और यहाँ पर चूंकि एन एस पी सिंगुलर सब्जेक्ट है और आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, तो हैज के साथ आपने बीइंग को यूज करना है। एन एस पी हैज बीन रिटन बाय सृष्टि, और इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट तक का आप पैसिव वॉइस बड़े आसानी से समझ पा रहे होंगे। आई होप आप इसे आराम से देखकर समझोगे भी, और साथ में आपके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट मैं गूगल ड्राइव में दूंगा यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी आप अटेम्प्ट करोगे। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। दोस्त, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नॉर्मली पैसिव वॉइस नहीं बनता।